नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में विंध विकास संस्था द्वारा कठपुतली कर बच्चों को ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी दी गई और यातायात के नियमों को भी बताया गया। इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल अज्जू राय और स्कूल के सारे कर्मचारी संग 600 बच्चे मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता गोलू शर्मा की रिपोर्ट। अंजू दुबे, प्रिंसिपल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल। आज मैम आपके स्कूल में किस तरह का, किस संस्था द्वारा कार्यक्रम कराया गया? बिंद विकास सेवा संस्थान की तरफ से बच्चों को कठपुतली का शो दिखाया गया और बच्चों को तो कठपुतली का शो बहुत अच्छा लगता है और इस माध्यम से उनको रोड सेफ्टी से संबंधित सूचना, जानकारी और कुछ उपायों को बताया गया ताकि बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको थोड़ा रोका जा सके। तो किस चीज़ों को लोग बच्चों को जागरूक किया गया, क्या ऐसे चीज़ें बताया गया बच्चों से, उसे क्या सीखने को मिला, इसके बारे में कुछ बताइए। अब जैसे कि हेलमेट है तो हम लोग हेलमेट एक ऑर्नामेंट की तरह से रखते हैं, सजाने के लिए हैंडल पर टांग देते हैं, तो बड़े ही अच्छे और रोचक तरीके से बच्चों को ये शिक्षा दी गई कि कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना। ट्रैफिक्स के रूल्स हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। बस हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस संस्थान ने बड़े ही रोचक तरीके से कठपुतली के माध्यम से ये शिक्षा हमारे बच्चों को दी और मुझे लगता है शायद वो नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। आप भी सड़क पे निकलती हैं मैडम, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो बगैर सीट बेल्ट और बगैर हेलमेट के चलते हैं रोडों पे, उनके लिए क्या सूचना लेंगी? मुझे तो उन्हें यही बताना है कि सीट बेल्ट बांधना और जो भी ट्रैफिक के रूल्स बनाए हैं ये हमारे ही सेफ्टी के लिए हैं, हमारे ही सुरक्षा के लिए हैं। तो हम किसी और को नहीं, अपने को ही धोखा देते हैं, अपने लिए ही जो है कुछ कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। तो उन्हें पालन करना चाहिए ताकि अपनी भी सुरक्षा कर सकें और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पुलवामा हमले को लेकर लौराबीर स्थित आजाद पार्क में आतंकियों द्वारा किए गए पूर्व हमले में मारे गए देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता गोलू शर्मा की रिपोर्ट। पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल अध्यक्ष। आज आजाद पार्क में किस तरह का धरना कर रहे? आज हम लोगों ने गत पिछले वर्ष हुए 14 फरवरी को आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में हमारे भारत के सैनिकों का एक तरह से किया जाए एक अपराध की दृष्टि से सैनिकों को शहीद कर दिया गया। वहां पे ग्रेनाइट बिछा दिया गया, हमारे जवान वहां से जा रहे थे जो उस पे जो चलते गए और शहीद हो गए हमारे देश की रक्षा के लिए। आज हम लोगों ने इस आज़ाद पार्क में पूर्व संध्या पे हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पूरे भारतवर्ष और हमारे देश के नवयुवकों को ये संदेश देने के लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा स्थापित किए हैं। आज का हमारा जो देश और इसके साथ साथ जो हमारे नवयुवक हैं वह मार्ग से भटकते जा रहे हैं। आने वाला देश हमारे नवयुवकों के कंधों पर ही टिका है, जिसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के जो है अपना भूमिका इस देश के लिए निभाएँ और हमारे सैनिकों, हमारे हर एक घर से एक एक सैनिक निकले ताकि इन आतंकवादियों के मनसूबे पे पानी फेरा जा सके। मुख्य रूप से आज शहीदों के घर वालों को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन लेकर के? शहीदों घर वालों को हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई है और आगे बेकार भी नहीं जाएगी। जिस दिन ये हमला कारतापुर हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद हमारे मोदी जी ने ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के उन कुत्तों को नानी याद दिला दिया गया था ताकि वो आगे कुछ ऐसा कर ना सके। यथार्थग्रही विकास महानगर उपाध्यक्ष और प्रभारी पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल। आज आजाद पार्क में किस तरह का श्रद्धांजलि दी गई? पिछले वर्ष जो पश्चिमी संस्कृति हमारे युवा पीढ़ियों पर हावी होती जा रही वो उसमें मकसूर थे, उसी समय
पाकिस्तान के आतंकियों ने जो हमारे जवानों पर कायरतापूर्वक हमला किया, उसकी शहादत में हमने ये आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया, ताकि हम आने वाले युवाओं को जगा सके। ये जो पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, उनको अपनी हिंदू सनातन धर्म के बारे में उनको जगा सके और इनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें।